चलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? आज हम हिंदी में कक्षा 5 इकाई 4 सोच अपनी अपनी के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ने लगे हैं। प्रश्न दूसरा है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चित्र में हम देखते हैं कि चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। प्रश्न तीसरा है, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो बच्चों चित्र में देखिए, घर के पीछे नारियल के कितने पेड़ दिखाई देते हैं आपको? 2 ना, तो नारियल के 2 पेड़ हैं। प्रश्न 4, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हैं। प्रश्न 5वां है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो आप चित्र में देखिए, आप जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं चित्र में, तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न 6ठा है, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। बच्चों, पाठ 4 सोच अपनी अपनी में प्रश्न दूसरा है, सोचकर बताइए। उसका पहला प्रश्न है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? दूसरा है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो आप लोग ये देखते हो कि सूरज निकलने पर आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। तीसरा है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो तुम बगीचे में रोज खेलने जाते हो तो क्या क्या करते हो, वो लिखना है। चौथा प्रश्न है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? पांचवा है, तितली उड़ती क्यों है? छठा है, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी तरफ से सोच के लिखना है, क्योंकि हम अभी सामने होते तो एक दूसरे के साथ चर्चा करके उसके जवाब करते, लेकिन इसके उत्तर आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में लिखना। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र है, उसके बाजू में प्रश्न दिया हुआ है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी अपने माथे पर टोपियों की टोकरी ले जा रहा है। प्रश्न दूसरा है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो हम चित्र में देखते हैं कि व्यापारी टोकरी को पेड़ के नीचे रखता है। प्रश्न तीसरा है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। प्रश्न 4, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां अपने अपने माथे पर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। प्रश्न है, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? व्यापारी ने अपने माथे से टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी उसकी नकल कर टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य है, यह चित्र बाग का है। दूसरा, चित्र में 5 पेड़ है। तीसरा, बाग में एक फिसलन पट्टी है और फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। चौथा, फिसलन पट्टी के ऊपर से एक लड़की फिसल रही है और पास में एक लड़का खड़ा है। 5वां, दोनों बहुत खुश है। ऐसे चित्र देखकर आप दूसरे वाक्य अपने हिसाब से भी लिख सकते हो।